परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के मनन के लिए हम आते हैं पहला तिसलुनिकियों 5:6। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर हम जागते और सावधान रहे। आज हम ध्यान रखते हैं इस वचन के दूसरी भाग की ओर। वहाँ पर ऐसा लिखा है, पर हम जागते और सावधान रहे। पौलुस कलिसिया को क्यों जागने के लिए कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए उन्हें जागने के लिए और सावधान रहने के लिए कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय हमें मालूम नहीं है, जैसे हमने पहले भाग में देखा था। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद न्याय होगा, और हम जैसे जानते हैं न्याय में हमारा प्रतिफल मिलने वाला है। तो हमारे जीवन फल पाने लायक बन जाए, इसलिए पौलुस कहते हैं सावधान रहे और जागते रहे। जब हम सोते ना रहे, कहने का मतलब है हमें जागते रहे या हमें रखवाली करने की ज़रूरत है। किन किन चीज़ों की हमें रखवाली करना है, इसमें कुछ बातों की ओर हमारा ध्यान जल्दी लेके आने के लिए मैं चाहती हूँ। पहला जो बात है वो हमारे हृदय है। वचन में हम ऐसा पढ़ता है, नीति वचन 4:23, यहाँ पर ऐसा लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो यहाँ पर अपने मन की रक्षा करने के लिए चेतावनी देते हैं। अब हमें मालूम है जब हम उद्धार पाते हैं तो उसी खुशी में अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दुनिया में रहने की वजह से जीवन की व्याकुलता हमें ले चलने की कोशिश करते हैं और इस दुनिया के जाल में हम फंस जाते हैं। इसलिए हमें अपने हृदय की रखवाली करने की ज़रूरत है। उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम अपने जीवन को गवा देंगे। दूसरी बात, हमारे जीवन में प्रभु ने जो दिया हुआ प्रतिभा, गुण, शक्ति और बुद्धि, उनके नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये तब संभव है जब हम अपने जो स्वयं है स्वयं को मरने देते। जब हमने स्वयं को मरने देंगे तो प्रभु यीशु मसीह का महिमा प्रकट होगा हमारे जीवन में। इसलिए हमें अपने हृदय को तैयार करने की ज़रूरत है। कैसे हम अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं, कुछ बातें हम जल्दी देखते हैं। पहला मैं कहना चाहूँगी, अपने हृदय को प्रभु के काम के लिए निरंतर तत्परता में रखना है। प्रभु के काम के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे प्रार्थना के लिए, दूसरों के लिए मदद करने में, हमारे आत्मिक जीवन के हर एक काम के लिए हमारे हृदय में निरंतर एक तत्परता होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया तो हमने एक नया जीवन पाया, यानी कि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया और हम कह सकते हैं हमने कुछ नया पहन लिया। ये जो नयापन है वो हमारे हृदय में हर रोज़ होनी चाहिए, तभी वो हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। हमारे हृदय को उस नयापन में रखने की ज़रूरत है। तीसरी बात, हमारे विश्वास वो परिपूर्ण होनी चाहिए। जब हम विश्वास की बात में आते हैं तब मुझे प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में जो विवरण किया है उस बात की याद आते हैं। पूरी कलिसिया पत्रस के जीवन को बंदीगृह से छुड़ाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब वो बंदीगृह से मुक्ति पा के दरवाजे पे आते हैं तो रोदा नाम की लड़की जाके देखकर वापस कलिसिया को कहते हैं पत्रस वापस आ गया, लेकिन कलिसिया उस बात पे विश्वास नहीं करते। हमारे जीवन में भी कभी कभार विश्वास ऐसा बन जाते, हम प्रार्थना करते हैं ज़रूर, लेकिन उसमें परिपूर्णता नहीं है। हमारे हृदय में पूर्ण रूप से विश्वास होने की ज़रूरत है।
चौथी बात, हमें अपने आप पर ध्यान देना है। कई बार हम दुनिया में, आस पड़ोस में, अपने कलिसिया में, अपने दोस्तों में दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं, उनकी कमी घटियाँ देखते हैं। हमें अपने आप पर ध्यान देना, अपनी कमी घटी को देखना और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को सौंपते हुए परखने की ज़रूरत है। और आखिरी बात, हमारे खजाना। वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6:21 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हम अपने धन स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए ताकि हमारे हृदय स्वर्ग की ओर हो। तो हमने अभी यहाँ देखा, हमारे मन में प्रभु के लिए एक निरंतर तत्परता होनी चाहिए। हमें एक नयापन की ज़िंदगी जीना है। हमारे हृदय में पूर्ण रूप से विश्वास होनी चाहिए। हम अपने आप को देखना चाहिए और हमारा खजाना स्वर्ग में होना चाहिए। प्रभु हमें सहायता करे, हम अपने जीवन को इसी तरह आगे बढ़ा सके और अपने हृदय का रखवाली कर सके। प्रभु के नाम की महिमा।